नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम इस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। उसका नाम है श्री रेणुका शुगर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर में हमें अभी जो हाल देखने को मिल रहा है काफी अच्छी, इसमें हमें तेजी देखने के बाद अगेन हमें इसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और ये शेयर में लगातार डाउनफॉल में काफी दिनों से देखने को मिल रहा है। बात करेंगे हम इस वीडियो में कि क्या इसमें आपको अगेन काफी अच्छी तेजी देखने को मिलने वाली है या फिर ये शेयर आपको इसी प्रकार से डाउनफॉल में देखने को मिल सकता है। क्या आपको अगेन बड़ा ब्रेकआउट इसमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है या अब जो है ये सीधे इसमें प्रॉफिट बुकिंग ही हमें देखने को मिलने वाली है, आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। इसके अलावा जो लोग भी इस शेयर में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो लोग अपनी इसमें नेक्स्ट मूव अब क्या ले सकते हैं, और इसके अलावा जो लोग इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं वो लोग कौन सी लेवल पे अपने इसमें बाइंग कर सकते हैं, आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। इसके अलावा इस कंपनी का फ्यूचर कौन सा है, कौन सा आपका लेवल बेस्ट रहेगा बाइंग करने के लिए, और क्या अभी इन्वेस्ट करने का सही समय है भी कि नहीं, आपको हम बताएंगे सारी बातें इस वीडियो में। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। और साथ में जो है आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर जुड़ सकते हैं, इसमें आपको फ्री में इंट्राडे ट्रेड, बीटीएस स्टॉक, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के सबसे अच्छे स्टॉक्स होते हैं, ये सारी सुविधा आपको हम इस ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रुप को ज्वाइन करने का कोई भी आपको चार्ज पे नहीं करना है। अगर आप इंट्राडे करते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप पेनी स्टॉक करते हैं या आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में, तो ये सारी सुविधा आपको मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ग्रुप को ज्वाइन करने का कोई भी आपको चार्ज पे नहीं करना है। ग्रुप की जो लिंक है वो अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, उस पर क्लिक करें और बॉक्स की लिंक पर क्लिक करते ही आप हमारे इस ग्रुप को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और इन सारी सुविधा का बिल्कुल फ्री में फायदा उठा सकते हैं और पर डे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इन सारी सुविधा का फायदा लेके। तो ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, ग्रुप की जो लिंक है वो अपनी बॉक्स में पड़ी है। तो हम चलते हैं टॉपिक की तरफ कि कैसे क्या हमें ट्रेड देखने को मिली है रेणुका शुगर में अपना फ्राइडे के दिन। तो अगर फ्राइडे का हाल देखें तो हमें ओपनिंग जो देखने को मिली थी वो 58.40 पर देखने को मिली थी, और 58.40 पर ओपनिंग के बाद देखिए इसने अपना 58.50 का हाई लगाया था, और उसके बाद देखिए उसमें लगातार हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और लगभग देखिए 6.66% की हमें गिरावट इसमें देखने को मिली है फ्राइडे के दिन। और अभी ये शेयर देखिए लगभग 54 रुपीज के लेवल पर पहुंच चुका है। बात करें वन वीक में, तो वन वीक में लगभग 12.5% गिरावट देखने को मिल रही है और वन मंथ में लगभग 48.56% के हमें रिटर्न अभी तक इसमें देखने को मिल चुके हैं। बात करते हैं इसमें गिरावट हमें क्यों देखने को मिल रही है, गिरावट का रीजन क्या है। तो गिरावट का जो मेन रीजन है अगर आप देखें तो ये जो रैली जो इसमें आई थी, ये जो रैली आई है लगभग 1-1.5 महीने में से जो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखा जाए, इस रैली की वजह से ही हमें इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि ये रैली बहुत ज़्यादा तेज आ गई थी। और साथ में जो है अब जो ये करेक्शन हमें देखने को मिला, ये करेक्शन आना बिल्कुल निश्चित था कि करेक्शन आएगा ही आएगा, और वही चीज़ हमें इसमें देखने को अभी मिल रही है। बाकी इसमें और कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है कि नेगेटिव न्यूज़ हो, बाकी ये शेयर काफ़ी अच्छा आगे परफॉर्मेंस आपको करता हुआ देखने मिलेगा, कंपनी काफ़ी अच्छी है आपको आगे आने वाले समय में करती हुई देखने मिलेगी परफॉर्मेंस। साथ में जो है इस कंपनी का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि देखिए कंपनी का काम जो है वो एथेनॉल सेक्टर का है, एथेनॉल की जो है डिमांड काफ़ी आगे रहने वाली है, क्योंकि भारत सरकार बहुत ज़्यादा फोकस एथेनॉल सेक्टर पर कर रही है। शुगर सेक्टर की जो है जो अपना शुगर सेक्टर से इतना ज़्यादा शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको जो है प्रोडक्शन को जो है शुगर में कम करके एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी सरकार ने बोल दिया कि आप जो है एथेनॉल पर ज़्यादा फोकस करें। शुगर तो काफ़ी अच्छी हो ही रही है, एक्सपोर्ट भी शुगर का काफ़ी अच्छा हो रहा है, आप जो है एथेनॉल पर जो है फोकस करें। इसलिए जो है ये सारी फर्म्स जो अपनी एथेनॉल सेक्टर की हैं आगे आने वाले समय में काफ़ी अच्छी आपको ग्रो करती हुई देखने को मिलने वाली, इसलिए ये कंपनी फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी है। लेकिन कंपनी फ्यूचर के लिए अच्छी ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी में देखिए फ्यूचर कंपनी का अच्छा है वो बात मैंने मान ली, लेकिन अगर आपको किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो आपको कभी भी पैसा बिल्कुल हाई पे लगाना नहीं चाहिए। क्या मान लीजिए कंपनी का वो प्राइस है ही नहीं सही कि कंपनी का बिल्कुल वहाँ पर आपको पैसा लगाते हैं, मान लीजिए कंपनी बिल्कुल इतना मान लीजिए शेयर बढ़ गया है और आपको जो है अपने वो टॉप बाई कर लिया हो, तो ऑब्वियसली आपका नुकसान ही होगा, आप नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो किसी भी कंपनी चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो, मैं बोलूँ रिलायंस में भी आप पैसा लगाते हैं, रिलायंस कंपनी है, अगर आप लोग 2800 पे पैसा लगा देंगे तो उसके बाद तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी मिलेगी, क्योंकि आप बिल्कुल 52 वीक की हाई पे बाई कर लेंगे तो आपका लॉस होना निश्चित है, ठीक है। क्योंकि शेयर अगर इतने तेज बढ़ा है तो मतलब उसमें करेक्शन भी थोड़ा बहुत आएगा, तो उसी करेक्शन का आपको फायदा उठाना चाहिए। तो आपको हमेशा जो है किसी भी कंपनी में सोच समझ के और बिल्कुल जो आपका प्राइस जो बिल्कुल बेस्ट रहता है उस पर बाई करेंगे तो अभी आप कंपनी में प्रॉफिट बना पाएंगे, वरना आप बिल्कुल अगर टॉप बाई कर लेंगे तो आप जो है कंपनी में लॉस ही खाएंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर आपको क्या होगा फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए काफी आपको वेट करना पड़ सकता है। तो वही चीज इसके साथ भी मान लिया आपने, मैंने क्योंकि मना किया था बार बार कि आपको उसमें बाइंग नहीं करनी है, बाइंग आपको 64 के ऊपर करना है, मतलब 63-64 के ऊपर करेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा, अभी आपको बाइंग नहीं करनी है। और अगर कुछ लोगों ने अभी बाई भी कर लिया होगा तो देखिए आपको लॉस हो रहा होगा, आपने जो है काफी अच्छा लॉस खा लिया होगा अभी तक, ठीक है। इसलिए मैंने इसी मना की, क्योंकि अगर इसमें बड़ा ब्रेकआउट होगा तभी इसमें तेजी आएगी, और ब्रेकआउट नहीं होगा तो तेजी ऑब्वियसली तो नहीं आएगी। तो यही चीज हुई है, ब्रेकआउट उसमें नहीं हुआ और हमें गिरावट देखने को फिर मिली है। बाकी बात करते हैं इसमें क्या तेजी आएगी, तो देखिए बात करते हैं वॉल्यूम देखते हैं कैसे क्या वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम देखें तो लगभग 1,47,345 करोड़ का हमें इसमें देखिए ऑर्डर अपना जो है वॉल्यूम देखने को मिला था फ्राइडे को, और लगभग देखिए तो 1,00,000 के आसपास हमें जो है बाइंग साइड में ऑर्डर भी देखने को मिल रहा है, मतलब कि इसमें अभी भी थोड़ा सा जो है बाइंग प्रेशर हमें थोड़ा देखने को मिल रहा है और तेजी थोड़ा बहुत इसमें जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन
इसमें दिक्कत क्या है कि ऑलरेडी शेयर काफी बढ़ चुका है, तो लोग जो है इसमें थोड़ा जो है अपना पैसा लगा के निकालना शुरू कर रहे हैं, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग हमें लगातार इसमें देखने को मिल रही है और ये शेयर काफी ज्यादा क्रूशियल मोमेंट पर हमें देखने को मिल रहा है। और क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा जो मैं दिखाने वाला हूँ तो इसमें फिर बहुत ज्यादा हमें गिरावट फिर देखने को मिल सकती है। बाकी इसमें जो मंडे का हाल देखने वाला है, मंडे को इसमें जो डेटा है वो अभी पॉजिटिव साइड पे, लेकिन जैसा मार्केट रिएक्ट करेगा, अगर मार्केट में गिरावट आती है और उसके अलावा कोई बैड न्यूज आती है तो फिर इसमें गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। बाकी अभी इसमें पॉजिटिव साइड पे हमें जो है डेटा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो अपना मंडे का जो फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे को उसमें काफी बड़ा जो है हमें डाउन साइड मूव देखने को मिला था, तो इस चीज का जो है कुछ लोग फायदा भी उठाएंगे अपना बाई करके इंट्राडे में, इसमें जो है अपनी पैसा लगा के पैसा भी बना सकते हैं इंट्राडे लेवल पर खरीद के, तो इसलिए इसमें आपको इसमें तेजी देखने को मिल सकती है मंडे को। बाकी सेलिंग प्रेशर भी हमें जरूर देखने को मिलेगा मंडे को, ये बात बिल्कुल तय है। बाकी बात करते हैं लेवल्स की, तो लेवल आपको जो इंपॉर्टेंट है, मैंने देखिए आपको पहले ही बोला था कि आपका ये जो 57 का लेवल है ये आपका काफी अच्छा लेवल रहने वाला है, और अगर आपके ये इसके ऊपर सस्टेन करें तभी आपको इसमें रुकना है, वरना आपको जो है इसमें टेम्पररी बेस पे एग्जिट करना है, कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था ये बात, और देखिए वही चीज हुई, ये 57 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, मतलब कि आपको फिर इसमें एग्जिट करना था। देखिए अगर आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया होगा काफी अच्छी बात है, वरना आपका देखिए थोड़ा प्रोसेस में लॉस हो गया होगा, ठीक है। बाकी मैंने आप जिन लोगों को बाई करना था, बाई जिन लोगों को भी करना था, मैंने बोला था कि आप जो है 63 रुपए जो 10 पैसे का जो लेवल है इसके टूटने का वेट करें तब जाके आप इसे बाइंग करेंगे, इसके ऊपर ही आपको बाइंग करना है, इसके पहले आपको बाइंग नहीं करनी, आपको फायदा इतना नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, मेरे कहने पर अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग की तो काफी अच्छी बात है, ठीक है, आपका काफी अच्छा प्रॉफिट हो गया होगा, लेकिन अगर आपने अभी भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं की तो आप अभी भी इसमें थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि अगर आपका ये जो लेवल है 53.50 रुपए अगर आपका ये ब्रेक हो गया तो फिर आपको ये ऑलमोस्ट देखें तो करीब 50 रुपीज और उसके बाद 45 रुपीज के लेवल तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ जो लोग भी प्रॉफिट बुकिंग अपने नहीं किए, प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दें, 100 शेयर में से 50 कर लें, 60 कर लें, 80 कर लें, अपने रिस्क के अनुसार आप जो है अपना प्रॉफिट बुकिंग जरूर करते रहें, अपने इतना पैसा जो मेहनत से बनाया उसको आप जाया ना जान दें, ठीक है। बाकी कंपनी का पोटेंशियल काफी अच्छा है, ये बात बिल्कुल तय है, तो कुछ शेयर आप जो है अपना होल्ड कर सकते हैं अपने रिस्क के अनुसार। बाकी शॉर्ट टर्म वाले इसमें अभी वेट ना करें, शॉर्ट टर्म वाले इसमें प्रॉफिट बुक कर लें, अगर आपका ये 53 रुपीज का क्योंकि लेवल ब्रेक हो गया, आपका ये सब क्योंकि काफी अच्छा सपोर्ट है, और आपका अगर ये लेवल आपका जो है ब्रेक हो गया तो फिर आपको इसमें गिरावट जो है काफी ज्यादा फल देखने को मिल सकती है, इसलिए जो है आपको इसमें जो है शॉर्ट टर्म वालों को अभी थोड़ा सा वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका ये 53 रुपए का लेवल ब्रेक हो तो आपको ये 50 रुपीज और उसके बाद आपका ये 45 रुपीज के लेवल तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है, तो इसलिए जो है आपको जो है अभी प्रॉफिट बुक करना है, शॉर्ट टर्म वालों को भी और लॉन्ग टर्म वालों को भी, आप अपने रिस्क के अनुसार इसमें अपनी क्षमता के अनुसार जो है अपना प्रॉफिट बुक इसमें कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनको बाय करना है भाई अभी इसमें ना करें जब तक आपका ये जो लेवल है 53 रुपीज 50 पैसे इसके ऊपर ये सस्टेन ना कर जाए, अगर यहाँ पे ये सस्टेन करता है तो फिर आप इसे बाइंग कर सकते हैं, अगर यहाँ पर सस्टेन ना करे, अगर यहाँ पे क्या करें ये सस्टेन ना करे तो आपको गलती से भी इसमें बाइंग नहीं करनी है, ये बात लोगों को ध्यान रखें, और इन्वेस्टिंग पर्पज के लिए तो बाइंग इसमें करनी ही नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टिंग पर्पज के लिए अभी बाइंग नहीं करनी, इसके नीचे आने का आप इंतजार करें, जब ये बिल्कुल नीचे आ जाए 45 पर सपोर्ट ले या आपका 50 रुपीज का सपोर्ट ले तब जाके आप अपने इसमें बाइंग कर सकते हैं, अभी आपको बाइंग इसमें नहीं करनी गलती से भी, ठीक है, ये बात बहुत ध्यान रखें। बाकी शॉर्ट टर्म वाले लॉन्ग टर्म वाले प्रॉफिट बुकिंग करते हैं इसमें, बाकी कोई डाउट कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूरी पूछ सकते हैं। बाकी हमारा अभी जो सपोर्ट है वो 53 रुपए पर है, 53 रुपए 50 पैसे, उसके बाद आपका 50 रुपए पर सपोर्ट है, उसके बाद आपका 45.50, आपके ये तीन सपोर्ट के लेवल है, और इसके अलावा आपका जो टारगेट है वो 57 एंड देन 63.10 का रहने वाला है। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों यहीं तक था वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार से अपना प्यारा बना रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपना पैसा निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।